बड़ी खुशी पाकिस्तान में लोगों का ये जज्बा देख के इस ओवर्स में आ रहे हैं और डॉलर्स ने रन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान की इस चीज़ की जरूरत है कि महंगाई तो होती रहती है, अगर आप लोग जो है ना डॉलर्स में कमाएंगे तो कभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि जी मुझे 9 ईयर हो गए हैं मैंने जब मैं जॉब करते थे, मैं उस टाइम से मैं जब मैं जॉब कर रहा हूँ जब सिर्फ वहाँ पे 2 बियर हो सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एज ए ट्रेनर भी काम किया गया है, आउटबाउंड का सबको पता होगा जो पुराने लोग हैं आउटबाउंड इनबाउंड, तो मैं वहाँ पे 5 से 3 बाउंड में काम करता हूँ जहाँ पे शिपमेंट्स आते हैं उसकी इंस्पेक्शन वगैरह करता हूँ। उस हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि किसी तरह की कोई शिपमेंट रोज लाखों किस्म की शिपमेंट वहाँ से निकलती है तो जिसको मैं इंस्पेक्शन करता हूँ कि सही है। तो वहाँ पे आप नज़र में बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा है कि जो उनकी शिपमेंट जब अमेजन में जाती है तो उन्हीं बॉक्सेस में वो अमेजन स्टोर कर लेता है, हालांकि ऐसा नहीं है। आपके बॉक्सेस अगर अमेजन में इनबाउंड में जाते हैं तो बॉक्सेस को निकाल के आपके आइटम्स को वो अलग बॉक्स में डालते हैं तो स्टोर रूम में भेज देते हैं, वहाँ पर अलमारी बनी है उसी में डिफरेंट लोकेशन में तो बुक कर देते हैं, उसके बाद फिर आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है। तो मुख्य किस्म की है कि इनबाउंड है, पैक का डिपार्टमेंट है, रसीद का डिपार्टमेंट है, और आप अंदाज़ा लगा लें इस बात से कि 24 आवर्स एक इनके 10 आवर की शिफ्ट है तो 2 शिफ्टें वहाँ पे होती हैं और मुसलसल जो लोग हैं ना वहाँ पे शिपमेंट रिसीव कर रहे होते हैं, इतना उनके कैपेसिटी है वॉल्यूम है कि कितनी इन्वेंट्री रिसीव कर रहे होते हैं। और रोज़ की अगर एक बेयर हाउस से अंदाज़ा लगाएं तो 500K आइटम डिस्पैच होती हैं एक वेयर हाउस से, एक वेयर हाउस से 500। और लोकेशन का ये है कि जी 500K शिप हो रही है और डेफिनेटली 500K 700K दूसरी साइड से इन भी हो रही है, मगर उनका सिस्टम ऐसा है कि जी कहीं पे इन्वेंट्री कहीं पे उन्होंने अगर स्टोरेज किया है तो उनके सिस्टम को पता है कि जी कौन सी इन्वेंट्री किस किस जगह से रखें। अब बहुत से लोगों को ये भी है कि आपकी जैसे 100 इन्वेंट्री आपने अमेजोन शिप की है तो 100 इन्वेंट्री को एक ही जगह पे लगा देंगे और जब ऑर्डर आएगा तो वहीं से कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ऐसे है कि कस्टमर जब शिपमेंट आती है उसकी 100 इन्वेंट्री मुख्तिक लोकेशंस में वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और सिस्टम बताते हैं कि जी टोटल 100 इन्वेंट्री कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में पड़ी हुई है। और जब ऑर्डर आता है तो रोबोट्स वहाँ पे काम करते हैं तो रोबोट्स उस पूरी की पूरी अलमारी को लेके वो पिकर के पास आ जाते हैं, वो पिकर को बताते हैं कि ये वाली लोकेशन में ये वाली आइटम्स पड़ी हुई है ये पिक करें और आप निकाल के कलेरा से प्लास्टिक का बॉक्स होता है उसमें आप डाल होते हैं, इससे ना पूरे पूरे रोबोट्स की लाइन लगी होती है तो वो आते जाते हैं और वापस से अलमारी वापस रखते जाते हैं। मेरा ख्याल कोई 4-5 थाउजेंड रोबोट्स काम करते हैं एक एफसी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यूके में पहला रोबोटिक एफसी बेरोस ओपन हुआ तो हमने ही जाके ओपन किया तो फर्स्ट आइटम कस्टमर को डिस्पैच मेरे हाथ से हुई थी। तो अब वो आइटम जो पिकर निकाल के पैकर को, एक और डिपार्टमेंट है पैकिंग डिपार्टमेंट, वो पूरी आइटम जो है ना वो एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है वो आइटम जो है ना पैकर को चली जाती है। अब पैकर क्या करता है कि वो आइटम को जस्ट स्कैन करता है, बॉक्स में डालता है, बॉक्स बंद करता है और स्लैम पे रख देता है, उसके ऊपर कोई शिपिंग लेबल वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता। अब स्लैम पे चलते 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 वो बॉक्स जो है ना एनालाइज होता है, उसका वेट उसकी साइज हर चीज़ चेक होती है, तो अगर किसी ने गलत आइटम पैक की है ये गलत बॉक्स सेलेक्ट किया है तो वो बॉक्स जो है ना किक आउट कर देते हैं, साइड पर निकाल देते हैं स्लैब से, और अगर वो बॉक्स सही है तो वो बॉक्स आगे शिपिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। बहुत से लोगों को ये समझते हैं कि बॉक्स आइटम का साइज़ अगर डिफरेंट भी हो तो कोई मसला नहीं है, मगर आइटम का साइज़ जो है ना एग्जैक्ट अमेज़न पे आपने
पुट करना होता है क्योंकि उसके मुताबिक जो है ना कस्टमर को वो डिस्पैच होती है आइटम। अगर आपने साइज डिफरेंट लिख दिया तो वहाँ पे जब पैकर के पास जाता है स्कैन करता है तो आइटम वो सिस्टम बताता है कि इस आइटम के लिए कौन सा बॉक्स रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कोई छोटी आइटम है या बड़ी आइटम है उसका साइज आपने छोटा मेंशन कर दिया है स्मॉलर लाइट में, इससे बहुत इस तरह लोग मिस्टेक करते हैं कि स्मॉलर लाइट का पता किसी को या नहीं, हाँ ऐसा नहीं, तो बहुत से लोग उसकी क्योंकि एफडीएपी कम होती है तो अक्सर लोग ये करते हैं कि एसएनएल की बोर्ड हेड को इनरोल करवाने के लिए इसका साइज छोटा कर देते हैं। होता है ऐसे, आप अंदाजा लगाए जब वो उसी पैकिंग डिपार्टमेंट में जाती है ना, एसएनएल का एक पैकिंग का अलहदा एक अलहदा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ एसएनएल ही की प्रोडक्ट जाती है, उनके पास दूसरी कोई और पैकिंग एसएनएल होती है इनवेलप में हो जाती है या सी फोल्डर में। अगर कोई बॉक्स वाली आइटम है तो वो फिर उसमें जाएगी तो वहाँ पे फिर आपको अमेजोन आपके जो है आपने गलत इनरोल किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक एसएनएल की प्रोडक्ट्स एक पैकर जो पैकर है वो 500 यूनिट एक घंटे में पैक करता है, 500 यूनिट्स, और 10 आवर में उससे आप अंदाज़ा लगा लें करते रहेगा काम 5000 एक घंटे 10 घंटे में करते हैं उसको। तो इससे आप इसका अमेजोन की वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा लें कि जब मैं 9 साल पहले ज्वाइन किया सिर्फ 2 वेयरहाउस और आज 25 वेयरहाउस है और आने वाले फ्यूचर्स में भी इसका स्कोप काफ़ी है। तो मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी ये ऐसे ही गलत है काम, ये सही नहीं है, फ्रॉड है, ये है, अभी नहीं है, मगर गलत है, ये बहुत बड़ी एक मार्केट प्लेस है। अगर आप सिंसियर की ऑनेस्टी से इस पर फोकस करेंगे तो बड़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। मेरा वहाँ पे क्योंकि वेब सेंटर भी है, 3 वेब सर्विस का पता है किसी को क्या होती है, तो मेरा प्राइम वेब सेंटर